मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आए हैं, मिसल पाव रेसिपी। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है। हमारे यहाँ राजस्थान में इसको स्प्राउट की सब्जी बोलते हैं। आइए हम इसको होममेड मसालों के साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मिसल पाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप अंकुरित मोठ। आप इसमें मूंग, मोठ, चने भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मूंग लिए हैं। देखिए, बहुत अच्छे से अंकुरित हो गए हैं ये। सबसे पहले हम इनको बॉईल होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुकर में 2 ग्लास पानी डाल दिया है। इसमें हम उगे हुए मूंग और मोठ को डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 सीटी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक आइए अपन इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप टमाटर बारीक कटा हुआ है, 1 कप प्याज बारीक कटा हुआ है, थोड़े से मीठे नीम के पत्ते, इसको करी पत्ता भी बोलते हैं, और 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा लहसुन बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा अदरक मैंने घिस करके तैयार कर लिया है। आइए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लिया है। गरम होने देंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो गया है। इसमें मैंने जीरा और राई डाल दी है। थोड़ा सा हम मीठा नीम डाल देंगे। 2 मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। लहसुन और अदरक डाल देंगे। प्याज भी डाल देंगे और बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। टमाटर डाल देंगे। आइए फ्रेंड्स, मसाला डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। हमें नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने मूंग और मोठ जब बॉईल किए हैं तो हमने उसमें भी नमक डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हमारा धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने 2 चम्मच यहाँ पे वेजिटेबल मसाला लिया है। ये मैंने आपको कढ़ाई पनीर में बनाना बताया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये हमने 2 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और हमने जो मूंग और मोठ बॉईल किए थे वो भी बॉईल हो गए हैं। गैस के फ्लेम को कम कर देंगे। फ्रेंड्स, बॉईल करके हमने इनको छान लिया है। देखिए, मैंने पानी बिल्कुल अलग निकाल लिया है इसका। हमें पानी को फेंकना नहीं है और मूंग मोठ बॉईल किए हुए को हम मसाले में डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मिसल पाव महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी है, तो इसलिए प्लीज इसको ट्राई करके देखें। अब हमने जो इसका पानी अलग निकाला है उसको इसमें जरूरत के अकॉर्डिंग डाल देंगे। सारे पानी को हमें ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास जितना पानी डाल दिया है। अभी हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और अच्छे से इसको बॉईल होने देंगे।
देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बॉईल होने लग गए हैं। अभी हम इसकी गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको बॉईल होने देंगे। देखिए फ्रेंड मिसल पाव बिल्कुल रेडी है, आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने सर्व कर दिया है, इस पे मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इस पे, बारीक धुला हुआ हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। पाव आप मैंने यहाँ पे रेगुलर पाव लिए हैं, आप चाहें तो ब्रेड भी यूज में ले सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज बहुत ही यम्मी लगता है, साथ में हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू हमने यहाँ पे रख दिया है साथ में, और मिक्स नमकीन। देखिए हमने सर्व कर दिया है, मिक्स नमकीन भी इसका बहुत यम्मी लगती है। तो फ्रेंड्स ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।